इंडिया बड़ी बेइज्जती वाली बात हो चुकी है और लोग टोक चुके हैं, गढ़वाली होके गढ़वाली रेसिपी नहीं डालते हैं, मुगलाई चाइनीज सब पड़ रही हैं। तो हमने कहा चलो अब कुछ गढ़वाली डिशेज डाली जाए। गढ़वालियों की जो हम पहली रेसिपी लेके आए हैं वो है भंग जीरे की चटनी। आज हम उसकी आपको रेसिपी दिखाते हैं। सो चलिए अपनी रेसिपी देखते हैं, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल अखिलेश शेफ, और मैं हूं अखिलेश शर्मा। चलिए अपनी रेसिपी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी भांग जीरे की चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके सामने है। ये देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये है भंग जीरा 100 ग्राम, ये है 6 से 7 ड्राई रेड चिली, ये है 1 लाइम जूस, ये है गार्लिक लहसुन, ये करीब 12 से 15 क्लोव्स है, ये है अदरक 2 इंच का टुकड़ा काटा हुआ है क्यूब्स में, 2 हरी मिर्च, ये है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ये है हमारी धनिया पत्ती करीब 30 ग्राम के आसपास, ये है क्रश्ड ब्लैक पेपर जिसको मैंने कूटा हुआ है, पाउडर नहीं बनाया है बिल्कुल, ये है क्रश्ड जीरा रोस्टेड, रोस्ट किया है फिर इसको क्रश किया है, और ये है ब्लैक सॉल्ट काला नमक। ये पैन में सबसे पहले हम भंग जीरा डालेंगे और इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक ये इसमें चटकने की आवाज नहीं आ जाती है, और इसी के साथ इसमें रेड चिलीज डाल देंगे, और ये मीडियम आंच पे इसको हम ड्राई रोस्ट करते रहेंगे। इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए करिएगा, थोड़ी गैस धीरे रख के। इसमें आप लाल मिर्च और हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना है तो। अब इसमें देखिए चटकने की आवाज़ आने लग गई है, बस थोड़ी देर इसको और हमें रोस्ट करना है कंटिन्यूसली चलाते हुए। ये देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब इसको हल्का हल्का दबा लेते हैं, देखिए कलर चेंज हो गया है इसका। अब इसको उतार के ठंडा करेंगे। अब ये अच्छे से भुन गया था, रोस्ट हो गया था, अब इसको हम बढ़िया से पीसेंगे, और इसी के साथ इसमें हम लहसुन डाल देंगे, अदरक हरी मिर्चा डाल देंगे। पहले इसको हम फाइनली पीसेंगे फिर धनिया डालेंगे इसमें। देखिए पीसने के बाद कुछ ऐसा हो गया ये। अब इसमें हम धनिया मिला देंगे और इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। देखिए इसको पीस लिया अच्छे से और कुछ इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब इसमें हम सॉल्ट मिलाएंगे 1/2 टीस्पून के आसपास, और इसमें लाइम जूस जाएगा। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, नमक अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा, इसी में 1/2 टीस्पून मैंने क्रश्ड जीरा, जीरे को रोस्ट किया फिर वो क्रश किया है, पाउडर नहीं डाला, क्रश जीरा डाला है, और क्रश ब्लैक पेपर है, ये 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, और ये आपकी भंग जीरे की चटनी तैयार है। खाइए और एंजॉय कीजिए इसको। सो दिस इज भंग जीरा चटनी इज रेडी। और अब कोई ये नहीं कह सकता है कि गढ़वाली होने के बाद तुमने कोई गढ़वाली रेसिपी नहीं डाली। बहुत सी ऐसी रेसिपी गढ़वाली की भी आएंगी, और ये जो भंग जीरा है ये ऑनलाइन पोर्टल्स पे इजीली अवेलेबल है, मंगवाइए और एंजॉय करिए। इसमें कुछ मैंने इनोवेशंस किए हैं, कुछ चेंजेस ऐसे किए हैं मैंने, लाइक जो मैंने रोस्टेड क्यूबन सीड डाली और जो मैंने क्रश्ड ब्लैक पेपर डाला। तो एक चीज मैं इसमें आपको ये बता दूं कि इसमें जो मैंने एडिशनल स्पाइसेस जो ऐड करी हैं मिक्सी में सारी चीज ग्राइंड करने के बाद, चटनी पीसी उसकी हाफ मैंने बाउल में ट्रांसफर करा है, और उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बाद में सॉल्ट पेपर और ब्लैक सॉल्ट रोस्टेड क्यूमिन जितनी चीजें डाली उसके अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी है, जितना मैंने मिक्सी में पीसा है उसका हाफ निकाला और जो क्वांटिटी बताई है वो हाफ की है। अगर आप पूरा यूज करते हैं तो सबकी क्वांटिटी डबल डबल कर दीजिएगा।
सारी चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन भी रहेगी। और इस चटनी को आप दाल चावल का खाइए, बहुत मजा आ जाएगा। सुबह नाश्ते में पराठा खाइए, उसके साथ खाइए, और हाजमे के लिए तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगी। बनाइए, इंजॉय करिए, बहुत बेहतरीन चटनी है ये। और मुझको तो अपनी नानी की याद आ गई, वह ऐसी चटनी बनाती थी और मैंने उसको रिकॉल किया, तब मैंने ये रेसिपी बनाई है। जाने का टाइम आ गया है, लेकिन आप जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। अब बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलने वाली है। फिर वही बात, यम्मी यम्मी खाना हो बनाना तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।